सीबीआई ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के 60 ठिकानों पर छापा मारा है। इस दौरान सीबीआई ने कार्ति के खिलाफ नया मामला दर्ज किया है। उन पर 250 चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने के लिए कथित तौर पर 50 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई को आईएनएक्स मीडिया मामले में लेन देन की जांच के दौरान इसकी जानकारी मिली। बता दें कि वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कथित तौर पर नियमों की अनदेखी कर चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने में मदद की। पंजाब में स्थित तलवंडी साबो पावर लिमिटेड प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसके लिए चीनी मजदूरों को वीजा दिलाया गया। कार्रवाई के दौरान कार्ति चिदंबरम ने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि ये यानी सीबीआई की कार्रवाई कितनी बार हो चुकी है, मैं गिनती भी भूल गया हूँ। इसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए। आपको बता दें कि सीबीआई ने 2010-2014 के बीच के इस मामले में नया केस दर्ज किया है। उसी मामले में आज की कार्रवाई की गई है। सीबीआई तमिलनाडु में 3, मुंबई में 3, पंजाब में 1, कर्नाटक में 1 और उड़ीसा में 1 सहित 9 ठिकानों पर तलाशी ले रही है। इसमें ऑफिस और घर भी शामिल हैं। दिल्ली में पी चिदंबरम के घर का गेट बंद होने के कारण सीबीआई के अधिकारी गेट फांद कर अंदर घुसे। सूत्रों के मुताबिक कार्ति चिदंबरम के खिलाफ कथित विदेशी निवेश को लेकर सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। छापेमारी सुबह 8 बजे शुरू हुई। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा ये मामला साल 2007 का है और आईएनएक्स मीडिया कंपनी से जुड़ा हुआ है। इसकी डायरेक्टर शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी और उनके पति पीटर मुखर्जी थे। इस मामले में ये दोनों भी आरोपी हैं। आरोपों के मुताबिक पी चिदंबरम ने उस वक्त वित्त मंत्री रहते हुए रिश्वत लेकर आईएनएक्स मीडिया हाउस को 305 करोड़ रुपए का फंड लेने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड यानी FIPB से मंजूरी दिलाई थी। इस पूरे प्रोसेस में जिन कंपनियों को फायदा हुआ, उन्हें चिदंबरम के सांसद बेटे कार्ति चलाते हैं। इस मामले में सीबीआई ने 15 मई 2017 को केस दर्ज किया था। वहीं 2018 में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। तो वहीं एयरसेल मैक्सिस डील में भी चिदंबरम आरोपी हैं। कार्ति पर यह आरोप है कि उन्होंने इंद्राणी की कंपनी के खिलाफ टैक्स का एक मामला खत्म कराने के लिए अपने पिता के रुतबे का इस्तेमाल किया है। मार्च 2018 में इंद्राणी मुखर्जी ने सीबीआई को दिए बयान में बताया था कि आईएनएक्स मीडिया को एफआईपीबी से मंजूरी दिलाने के लिए उनके और कार्ति चिदंबरम के बीच 10 लाख अमेरिकी डॉलर की एक डील हुई थी। इसके बाद जुलाई 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट ने शीना बोरा हत्याकांड के मुख्य दोषी इंद्राणी को आईएनएक्स केस मामले में मुख्य गवाह बनाने की सहमति दे दी थी। इसके बाद आईएनएक्स मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को 21 अगस्त को सीबीआई ने गिरफ्तार किया और फिर 16 अक्टूबर को इसी मामले में ईडी ने अरेस्ट किया था। 4 दिसंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली। ईडी केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम को जमानत दे दी है। वो 106 दिन तक तिहाड़ जेल में रहे थे। अब एक बार फिर कार्ति चिदंबरम का केस खोला गया है और वो जांच के दायरे में है। देखना होगा कि ये मामला कितना आगे जाता है और इसमें क्या राज खुलकर सामने आते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC24 के YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें खबर विभाग के साथ।